हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम फिर से बनाने वाले केक। पूछो क्यों? क्योंकि इंस्टाग्राम पे निश्चय का टिक मार्क आ गया है और इस चीज की हम बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, तो फाइनली उसको टिक मार्क मिल गया है, वेरीफाइड हो गया है, तो फिर केक तो बनता ही है। तो इसलिए आज हम उसके लिए केक बनाने वाले हैं। तो जल्दी से देखते हैं इंग्रेडिएंट्स और फिर फटाफट बना लेते हैं। ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में। तो केक बनाने के लिए मैंने लिए 2 कप मैदा, 1 कप दही, 1/2 कप चीनी, 1 कप वेजिटेबल ऑयल, 1/2 कटोरी फ्रेश क्रीम, 1 चम्मच बेकिंग पाउडर, 1/2 चम्मच बेकिंग सोडा, 2 चम्मच कोकोआ पाउडर और 1 मैंने क्रंची लिए, 2 पैकेट जैम्स और ये मेरे पास छोटी छोटी ये कैंडीज हैं, ये मल्टी कलर में कैंडीज जो आती हैं, ये बहुत सारी कैंडीज मैं लेके आई थी और इनको मैंने रात को सारा अलग अलग करके छांट लिया था, वाइट चॉकलेट। तो सबसे पहले मैदा को छान लेते हैं। इसमें डालेंगे 2 चम्मच कोकोआ पाउडर, बेकिंग पाउडर, इसको हम मिक्स कर देते। अब दही जो हमने लिया है इसको पहले अच्छे से फेंट लेते हैं और ये बेकिंग सोडा इसमें डाल देते हैं। दही में बेकिंग सोडा डालने से उसमें बबल्स आने शुरू हो जाएंगे और इसको हम साइड पे रख देते हैं। अब ये चीनी इसमें मिक्स करेंगे। अब इसमें डालेंगे ऑयल और धीरे धीरे इसको मिक्स करते जाएंगे। अब दही हमारा देखो कैसे फूल गया है। अब इसको हम मिक्स कर लेते हैं। बैटर हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है, थोड़ा सा थिक लग रहा है तो इसमें मैं थोड़ा सा दूध डाल देती हूँ और इसमें डालेंगे पिंच ऑफ सॉल्ट। अब केक का बैटर हमारा रेडी हो गया है। ओवर मिक्स नहीं करना, हमने इसको ग्रेजुअली फोल्ड करना है। अब ये जो क्रंची का पैकेट हमने लिया है ये इसमें हम मिक्स करने वाले हैं, बड़ा ही अच्छा टेस्ट आने वाला है। फ्लेवर आप कोई भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हो। मैंने स्ट्रॉबेरी लिया है और इसको हम ऐसे ही, ज़्यादा चूरा नहीं करना, बस मिक्स हो गया। मैंने स्क्वायर वाला लिया है क्योंकि इंस्टाग्राम का लोगो स्क्वायर होता है ना। अब इसमें बटर पेपर लगा देते हैं, थोड़ा सा ग्रीस कर लेते हैं इसको ऑयल से। अब ये सारा बैटर हम इसमें पोर कर देते हैं। चम्मच से इसको हम बिल्कुल इवनली स्प्रेड कर देते हैं। अब इसको प्री हीटेड ओवन में 180 डिग्री पे कम से कम 1 घंटे के लिए इसको हम बेक करेंगे, तभी ये अच्छे से बेक होगा। तो 1 घंटा हो गया, केक हमारा बहुत ही अच्छे से बन गया। तो अब इसका श्रृंगार कर लेते हैं। तो सबसे पहले वाइट चॉकलेट जो हमने ली है इसको हम थोड़ा सा काट लेते हैं। चॉकलेट मैंने सारी काट ली। अब ये जो हमारे पास फ्रेश क्रीम है इसको मैंने माइक्रोवेव कर लिया 30 सेकेंड के लिए और ये गर्म हो गई है। अब ये चॉकलेट हम इसमें डाल देते हैं। क्रीम हमारी गर्म है और ये चॉकलेट जो है वो इसमें मेल्ट हो जाएगी। कटोरी मेरी थोड़ी छोटी हो गई है, इसको हम बड़ी में शिफ्ट कर लेते हैं, बोल में डाल लेते हैं और इसको फेंट लेते हैं जब तक कि ये पूरी अच्छे से डिसॉल्व ना हो जाए। अब चॉकलेट हमारी बिल्कुल मेल्ट हो गई। मैंने वाइट चॉकलेट ली है, अगर आप चाहें तो आप डार्क चॉकलेट भी ले सकते हैं क्योंकि निश्चय को वाइट चॉकलेट ज़्यादा अच्छी लगती है, इसलिए मैंने वाइट चॉकलेट यूज़ करी है। और इसको डीमोल्ड कर लेते हैं। अब इसको हमने 2 पीसेस में डिवाइड करना है, तो हम बीच में से इसको काट लेते हैं। 2 पीसेस में हमने इसको डिवाइड कर लिया। अब ये चॉकलेट ब्लांच जो हमने बनानी है इस पे स्प्रेड कर देते हैं।
ये हमने इस पे स्प्रेड कर दी। अब व्हिप्ड क्रीम लगा देते हैं इस पे। ये मैंने पहले ही व्हिप करके रख दी थी, इवनली स्प्रेड कर देते हैं। अब दूसरा पीस भी इसके ऊपर रख देते हैं। अब इस पे भी हम व्हिपिंग क्रीम से टॉपिंग कर देते हैं। तो टॉपिंग हमने कर ली इसकी, अब ये कैंडीज जो हमने ली हैं, ये बहुत ही सुंदर, कोई स्टार बना हुआ है, कोई हार्ट है, छोटी छोटी टैडीज हैं, तो इनसे हम इसको डेकोरेट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ब्लू कलर लगा देते हैं। जो जो इंस्टाग्राम के कलर्स हैं वही वाले कलर्स हम इसमें लगाने वाले हैं। ब्लू पर्पल कलर इनमें था नहीं, तो मैंने जेम्स के पैकेट लिए थे, इसमें से हम पर्पल कलर लगाएंगे। पिंक हमने लगा लिया, अब हम लगाएंगे ऑरेंज। तो ऑरेंज में मेरे पास ये फिश बनी हुई है, तो ये हम लगाएंगे अब। ऑरेंज भी हो गया डन। अब है येलो, येलो में हार्ट लगा रही हूँ। और ये हमारा, सारी कैंडीज मैंने लगा दी, ऐसी लुक आ रही है। लेकिन अभी एक चीज़ और, जो मेन चीज़ है वो हमने अब करनी है। अब फॉन्डेंट को हम बेल लेते हैं, जैसे हम स्क्वायर शेप की परांठी बनाते हैं ना, वैसे हमने इसको स्क्वायर शेप में बेलना है। मैं इसको परांठी की शेप दे रही हूँ। ओके, स्क्वायर शेप में हमने बेल लिया इसको। अब हमने इसको काटना है, सेंटर में से काटेंगे, हमें साइड्स के पार्ट्स चाहिए। तो मैं स्केल की हेल्प से इसको काट रही हूँ, हमें साइड्स चाहिए। अब सेंटर वाला पार्ट हम निकाल देते हैं और इसकी शेप अब हम ठीक करते हैं। आप बताओ, ये बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर शेप आ गई। अब ये हमने जो स्क्वायर शेप बनाई है, डर लग रहा है मेरे को उठाते हुए, स्क्वायर शेप जो बनाई है वो हमने इस पे प्लेस कर देनी है। इक्वली आई है, थोड़ा सा इसको हम राउंड शेप हमने काट ली। अब इसको बीच में से हम काटेंगे। ये मेरे पास छोटी सी कटोरी है, इसकी हेल्प से हम सेंटर में से भी इसको काट लेते हैं। अब ये हमारा सेंटर वाला पार्ट आ गया और इसको भी हमने सेंटर में प्लेस कर दिया। ओके, अब एक डॉट यहाँ पे होता है इंस्टाग्राम में, यहाँ पे एक डॉट होता है, तो ये मेरे पास जो छोटा सा बच्चा है, इसमें से हम एक छोटा सा पीस निकाल लेंगे। ये बहुत छोटी सी डिब्बी ली है मैंने, इससे हम काट लेते हैं, इतना सा हम यहाँ पे लगा देते हैं। ओके, तो केक हमारा हो गया रेडी, लग रहा है ना पूरा इंस्टाग्राम का लोगो। और अब केक तो हमने बनाया है टिक मार्क के लिए, तो टिक मार्क हम किससे बनाएंगे? इंस्टाग्राम का टिक मार्क ब्लू होता है, तो ये मेरे पास जेली है। ये सारे ही कलर हैं, लेकिन इसमें से हम ब्लू कलर निकाल लेते हैं, इतना बहुत है। अब इसको मैं रोल कर लेती हूँ। इसमें थोड़ा सा रेड कलर आ रहा है, तो वो हम निकाल देते हैं। सारा निकाल दिया, अब इसको हम
फोल्ड कर लेते हैं ऐसे और इसका हम टिक मार्क बना देते हैं। छोटा सा होता है उसका टिक मार्क, तो हम भी छोटा सा ही बनाएंगे। और इसको हम कहाँ प्लेस करें, सेंटर में लगा देते हैं। अब केक कटवा लेते हैं। ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। नहीं, मम्मी वेट करते कोई ओकेजन है तो मैं अच्छा केक बनाऊं। बेकरी खुलने वाली है आपकी। यार सच में बहुत मेहनत कर रही है, पता लग रहा है। ये ऊपर ऊपर ये सितारे लाए हैं बहुत टेस्टी। इन्हीं की तो मेहनत है सारी। वही तो डेकोरेशन सारी। डेकोरेशन में तो मैं प्राउड हूं मम्मी। ये लो मेरे पास केक। इंस्टाग्राम सबको वेरीफाई करो भाई, हमारे लिए भी केक बनेगा। जानवन पेटिशन साइन टू इंस्टाग्राम। अब ये मेरे तो ऑनेस्टली इंस्टाग्राम पे वेरिफिकेशन टिक मार्क आएगा। ऐसी उम्मीद छोड़ दी थी। एक दिन रैंडमली टिक मार्क दिखता है तो इट वाज वेरी सरप्राइजिंग। डायमंड बटन और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।